हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सिंधाने। मैं हर संडे आपके लिए कहानी लेकर आता हूँ। हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी को लाइक कीजिए। दोस्तों एक बार की बात है, एक मेडिकल स्टोर पे काफ़ी भीड़ थी मेडिसिन लेने वालों की, और रोड के उस साइड एक बूढ़ी अम्मा खड़ी थी और बूढ़ी अम्मा मेडिकल स्टोर की तरफ देख रही थी। मेडिकल वाले से कुछ कहना चाह रही थी लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी, और ये सारा दृश्य मेडिकल का जो मालिक था वो देख रहा था दोस्तों। लेकिन भीड़ ज़्यादा होने से उसने पहले ग्राहकों को निपटा दिया, ग्राहकों को पहले उन्हें मेडिसिन दे दी, और उसके बाद धीरे से वो रोड के उस पार उस बूढ़ी अम्मा के पास जाता है और बूढ़ी अम्मा से पूछता है कि माँ जी, मैं आपको कब से देख रहा हूँ, आप कुछ कहना चाह रहे हो लेकिन बोल नहीं पा रहे हो, क्या बात है? बूढ़ी अम्मा कहती है कि बेटा, मेरा बेटा जो है वो मुंबई में जॉब करता है, और उसका कल शाम को फ़ोन आया था कि वो अब हमेशा हमेशा के लिए विदेश में जा रहा है नौकरी करने के लिए, और वो अब कभी लौट कर नहीं आएगा। ये कहते कहते वो बूढ़ी अम्मा के आंखों से आंसू भी टपक रहे थे। तो बूढ़ी अम्मा ने मेडिकल वाले से कहा कि बेटा, ऐसी कोई दवाई हो तो दे दे जिससे मैं मेरे बच्चों को हमेशा के लिए भूल जाऊँ। और ऐसा बोला तो मेडिकल वाला हक्का बक्का रह गया दोस्तों, वो सुनते ही रह गया, और जो बूढ़ी अम्मा थी वो रोते रोते वहाँ से चले गई। दोस्तों हमारे माँ बाप है तो जीते जी उनकी कदर कीजिए, उनको समझिए, क्योंकि माँ बाप ही इस दुनिया में ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ प्रेम करते हैं। जिनके माँ बाप नहीं होते उनसे पूछिए दोस्तों कि माँ बाप क्या होते हैं। ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि जीते जी हमारे माँ बाप की हम कद्र करें, उनसे प्रेम करें। यह कहानी यही हमें शिक्षा देती है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।